नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। दिनांक 19 नवंबर 2022 को जौहरी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर महानगर द्वारा आयोजित मिशन साहसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है। इस परिषद के द्वारा समय समय पर छात्र हित के लिए विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पूनम देवी असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के द्वारा किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो ममता वर्मा जी द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा युक्तियों को सीखने के लिए प्रेरित करते हुए आत्मरक्षा युक्तियों की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर पूनम देवी द्वारा छात्राओं को उद्बोधित करते हुए कहा गया कि आज के समय में सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता तभी सफल मानी जा सकती है जब सभी महिलाएं आत्म सुरक्षा के प्रति जागृत होंगी, साथ ही अपनी व अन्य महिलाओं की सुरक्षा कर सकेंगी। प्रशिक्षक शैलेश बाजपेयी जी ने छात्राओं को आत्मरक्षा की विभिन्न युक्तियों को प्रदर्शन के माध्यम से सिखाया। छात्राओं ने भी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता की तथा आत्मरक्षा की युक्तियों को सीखने का प्रयास किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रीति यादव असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। प्राचार्या प्रो ममता वर्मा, संयोजिका डॉ पूनम देवी, सह संयोजिका डॉक्टर प्रीति यादव। कानपुर से संवाददाता मुजम्मिल अहमद की खास रिपोर्ट। काफ़ी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इससे हमारी मतलब महिलाओं की जनरेशन के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। ये पहली बार सीख रही है या उससे पहले सीखा है? तो कैसा लगा पहली बार में? सर अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा अनुभव हुआ सर। इतने दिनों की प्रैक्टिस उन्होंने एक दिन में हम लोगों को करवा दी है, तो सर ये कोशिश करूँगी कि आगे भी इसको कायम रखें। आप किस किस राज्य में पढ़ती हैं? BA फर्स्ट सेमेस्टर। तो आपको अच्छा लगा? कुछ और कहना चाहती हैं मेरे चैनल के माध्यम से? प्रोफेसर ममता वर्मा, प्राचार्य कॉलेज कानपुर। हमारा जो संविधान है वो सबको समान अवसर प्रदान करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी। समाज का जो दृष्टिकोण है वो नारी के प्रति अभी अपूर्ण है, नारी को वो अबला समझती है, सबला नहीं। तो समाज के लिए समानता लाने के लिए हमें नारी को सबल भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक मिशन साहसी कार्यक्रम चलाया गया। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर पूनम जी, डॉक्टर प्रीति यादव जी ने इस कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक प्रशिक्षक जिनका की नाम शैलेश जी हैं, भाई शैलेश जी ने भी मार्शल आर्ट छात्राओं को सिखाई, और जो छात्राओं के लिए बहुत दिक्कत होगी क्योंकि जब तक व्यक्ति तकनीकी नहीं है तब तक व्यक्ति अधूरा है। बिना टेक्निक के हम कितना भी हमारे अंदर साहस क्यों ना हो, शक्ति क्यों ना हो, किंतु यदि हमें टेक्निक्स आती हैं और हम उनका प्रयोग कर लेते हैं तो हम
भली भांति अपने को शक्तिशाली बना लेते हैं। साहस तो है किंतु उसमें निखार लाने के लिए टेक्निक्स की आवश्यकता है, जो कि आज हमें भाई शैलेश जी ने हमारी छात्राओं को दी और शायद छात्राएं इस टेक्निक्स का उपयोग करके अपने को सफल बना सकती है। विद्यालय में आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए थे, कार्यक्रम हुआ था, कार्यशालाएं हमने आयोजित की हैं, किंतु यह कार्यशाला जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा संपन्न कराई गई है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।